आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों राधे राधे, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 12वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कह रहे हैं कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करते हैं, व्रत पूजा पाठ करते हैं, पुरुषोत्तम महत्तम को सुनते व सुनाते हैं, मैं उन्हें सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख देता हूँ और अंत में अपने गोलोक धाम को ले जाता हूँ। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब भगवान शिव चले गए तब शोकग्रस्त उस ब्राह्मण पुत्री ने क्या किया? श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। श्री कृष्ण ने जो उत्तर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को दिया उनका वह संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले, जब भगवान शिव चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई और उसकी श्वास ऊंची ऊंची चलने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि जलने लगी, अंग प्रत्यंग में धड़कन होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने उसकी मृत्यु कर दी। भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र करके यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से यह बाला सोने की कांति वाली बनकर प्रकट हुई, जो कि हे राजन द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। भगवान बोले, जिस समय कानों में शूल के समान चुभने वाले असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने इसे बालों से पकड़कर खींचा था, उस समय हे राजन मैंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से इसने मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथों में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। उस समय मैं चाहे उसे भूल चुका था, परंतु तब उसकी बार बार प्रार्थना को सुनकर मैं शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैं इसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध को मैं सहन नहीं करता और उस मनुष्य को मैं तेज हीन कर गिरा देता हूँ। इसलिए हे राजन, अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो,
14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूँगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा बनोगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण बोले, श्री भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं, मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर वह चलने को उद्यत हुए। उन्हें देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें आप भुला ना देना। हमारे चित्रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमलों में स्थान देना, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय दाता हो। पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए रथ में जाकर बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे पीछे चले, परंतु शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर उन्हें वापस लौटा दिया और स्वयं द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे ब्राह्मण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया, वही भारतवर्ष में धन्य है, श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम भी दृढ़ धनवा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महत्तम करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने के सामर्थ्य नहीं है। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 12वां अध्याय समापत। बोलो भगवान विष्णु की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।